मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मनसे का भगवा रंग वाला नया झंडा लॉन्च, पार्टी में शामिल हुए राज ठाकरे के बेटे अमित। राज ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने गुरुवार को शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की जयंती के मौके पर भगवा और भूरे रंग वाला अपना नया झंडा लॉन्च किया, जिसमें छत्रपति शिवाजी की मुहर है। वहीं इस दौरान राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने पार्टी में शामिल होकर राजनीति में औपचारिक तौर पर प्रवेश किया है। बाला साहब के सच्चे शिवसैनिकों को मनसे की तरफ से खुला ऑफर। महाविकास आघाड़ी के गठबंधन के बाद महाराष्ट्र की बदलती हुई राजनीति स्थिति का लाभ उठाने के लिए मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे की सेना तैयार हो गई है। शिवसेना की राजनीति से डगमगाए हिंदुत्व की राजनीति के तहत हिंदुवादी और मराठी प्रेमी लोगों शिवसैनिकों को मन से आकर्षित करने का प्रयास कर रही हैं। मन से नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि बाला साहब के सच्चे शिवसैनिक निराश ना हो, मन से का झंडा हाथ में ले। बाल ठाकरे के हिंदुत्व की विरासत को कब्जाने में जुटे राज ठाकरे शिवसेना से नाता तोड़ने के बाद राज ठाकरे की पहली बार बाला साहब ठाकरे की जयंती पर पूरे दिन कार्यक्रम कर रहे हैं। राज ठाकरे ने 5 रंग के अपने झंडे को भगवा रंग दिया है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे बाला ठाकरे की जयंती के दिन से अपनी विचारधारा से हिंदुत्व की ओर ले जाने की तैयारी में है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।